नमस्कार दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ कार्य करने के बाद जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं वैसा हमें मिलता नहीं है, या हमारे हाथ में पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ उपचार लेकर आई हूँ। यदि आप करते हैं तो आपके घर में और आपके पास पैसे हमेशा ही रहेंगे और इधर उधर की चीज़ें भी आपको साफ नजर आएंगी। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको करने से पैसे के लाभ हो सकते हैं? नंबर एक, शुक्रवार के दिन आपको एक ताला खरीदना होगा। ताला खरीदने के बाद उसे यह ध्यान रखें कि वह ताला खुला हुआ ना हो, वह ताला हमेशा ही बंद रहे और उस ताले को खोलने की कोशिश आप भी ना करें, क्योंकि वह ताला अगर आपका बंद रहेगा तो यह आपके पैसों को रोकने का एक इंतज़ाम है और उसे आप अपने बिस्तर के नीचे दबा के रख लीजिए। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा पैसा बंधा ही रहेगा। नंबर दो, और शनिवार के दिन आप सुबह उठकर नहाएं और नहाने के बाद वो जो ताला है उसे लेकर किसी भी मंदिर में चले जाएं और उस मंदिर में आप ताला रखने के बाद ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। ऐसा करने से आपकी जो जितनी भी समस्या है वे दूर हो जाएंगी और वह आपका जो पैसा है वह हमेशा ही बंधा रहेगा। और इसके बाद यदि उस मंदिर में कोई भी ताला खोलेगा तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत खुल चुकी है। नंबर तीन, ताले के उपाय के अलावा एक और उपाय है। यदि आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो ऐसा करने से भी घर में समृद्धि रहेगी और आपके मन को शांति भी मिलेगी और जितनी भी समस्याएं हैं वह भी दूर हो जाएंगी। तो इसलिए यदि आपको जो भी आसान लगे वह कार्य करें। नंबर चार, आप अपनी तिजोरी में 10 के नोट के 100 से ज्यादा नोट रखें। ऐसा करने से भी आपकी समृद्धि में प्रभाव अच्छे पड़ेंगे और अपनी जेब में खुले सिक्के जरूर रखें। आप सकारात्मक सोच रखें और मंदिर में रोज जाएं। मंदिर में जो भी आपको मिले उसके लिए भगवान से धन्यवाद दें और धन्यवाद देने के बाद अपने विचारों को सकारात्मक रखें। ऐसा करने से आपकी समृद्धि भी बढ़ेगी और जितनी भी समस्याएं हैं जो आपकी आर्थिक से रिलेटेड है वह सभी दूर हो जाएंगी। नंबर पाँच, हर गुरुवार को पीपल के पेड़ की पूजा करें और पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए आप जल चढ़ाएं और फिर केसर का तिलक अपने भी लगाएं और पीपल के पेड़ पर भी लगाएं। ऐसा करने से भी आपकी समृद्धि के भाग्य खुल जाएंगे और आपके मस्तक रेखा पर जितनी भी चिंता की लाइन है वह सभी मिट जाएंगी। नंबर छह, बुधवार के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को धन्यवाद दें, पूजा करें और पूजा करने के बाद भोग लगाएं, यानी कि बेसन के लड्डू से उनका भोग लगाएं। ऐसा करने से भी आपके घर में सौभाग्य आएगा। और आप एक बात और खास ख्याल रखें कि मंदिरों में गुड़ और चने का भी दान करें। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। तो ये है वह कार्य, यदि आप करते हैं तो धन आपके घर में और आपकी समृद्धि सीधे सीधे फायदे होंगे और आपके साथ आपकी समृद्धि को भी लाभ मिलेगा। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।